हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लुतुस लाइफ एंड लिविंग। आज का वीडियो है लास्ट वीडियो स्कर्ट की सीरीज में। पहले मैंने दो वीडियो शॉर्ट स्कर्ट पे बनाए हैं और दूसरा वीडियो मैं लॉन्ग स्कर्ट पे बना रही हूँ। कुछ एक स्कर्ट लास्ट उसमें वीडियो में मैंने डाला था कि मैंने बहुत सारी स्कर्ट चेंज करी है। कुछ तो ड्रेस से मैंने स्कर्ट बनाई है, कुछ मैंने मेरे प्लाजो पैंट्स थे जो मैंने खरीदे थे उनको खोलकर स्कर्ट बना दी है। तो इस तरह से मैं काफ़ी कपड़ों को हमेशा चेंज करती हूँ और सोचती हूँ कौन से ज़्यादा मुझ पर सूट करेगा स्टाइल, और अगर मैं उसे अपने आप चेंज कर सकती हूँ तो करती हूँ, ना तो मैं टेलर को दे देती हूँ। कई बार ऐसे होते हैं कि हम कपड़े खरीदते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं ये तो हमारे पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, अब तो इसको अंदर रख देते हैं, हमारे पहन नहीं पाई। कई बार होता है स्टाइल का प्रॉब्लम होता है, कई बार होता है हम कैसे कहाँ रह रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हम पहन पा रहे हैं कि नहीं पहन पा रहे हैं। आप अपने हिसाब से उसे चेंज करिए और जो आप कपड़े पहनते हैं उसके हिसाब से खरीदिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेकेंड बात, अगर आप नहीं ऑलरेडी खरीद चुके हैं तो उसको अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश करिए, अगर जो पैटर्न आपको सूट करते हैं, ठीक है। आप पहनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला मुझ पर ज़्यादा सूट करता है, मैं इस तरह के ही नेक्स्ट टाइम कपड़े बनाऊंगी, एटलीस्ट आगे के लिए थोड़ा सा केयरफुल हो जाएंगे, ठीक है। स्कर्ट हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले स्कर्ट पर इसका मैंने टॉप आपको दिखा रखा है, टॉप वाले वीडियो में आपने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। पहले भी मैंने बहुत सारे टॉप के ऊपर वीडियोस डाल रखे हैं, पार्टी वेयर या कैजुअल। कैजुअल तो नहीं है, पार्टी वेयर मोस्टली है, कैजुअल तो मेरे बहुत सारे हैं जो मैंने कैजुअल के ऊपर मैं शायद वीडियो नहीं बनाना चाहूँगी क्योंकि वो तो रोज़ वाले टॉप्स हैं जो मेरे पास ज़्यादा फैंसी हैं या मीडियम फैंसी हैं, जो मैं पार्टी वेयर है वो पहनती हूँ। ये बुटीक का है जहाँ पर मैं न्यूजीलैंड में काम करती थी। मैंने बताया था कि काफ़ी सारे कपड़े मैंने न्यूजीलैंड से ख़रीदे हैं, ऑस्ट्रेलिया से ख़रीदे हैं जहाँ पर मैं रहती थी। तो शादी के बाद मैं वहीं शिफ्ट हो गई और वहाँ पर कुछ टाइम के लिए मैंने एक बुटीक पर काम किया जहाँ पर वेडिंग गाउन्स, पार्टी वेयर, यू नो, प्रॉम के कपड़े वो सब मिलते हैं। तो सारे ऐसे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा फैंसी कपड़े थे, मतलब वन शोल्डर और ऑफ शोल्डर और फ्रिल्स हो गए। तो ऐसे काफ़ी सारी ड्रेसेस थी, बहुत सारी ड्रेसेस। मेरे ख्याल से वो पूरे मॉल में एक ही दुकान थी जहाँ पर इतनी सुंदर ड्रेसेस थी और सब लड़कियाँ आती थी और मुझे बोलती थी यार यू आर सो लकी दैट यू आर वर्किंग इन दिस स्टोर। तो मैंने बोला येस, बट हमारे लिए वो डेली रूटीन का हो गया था। और मैंने वहाँ से बहुत कपड़े खरीदे क्योंकि हमें उसमें डिस्काउंट मिलता था, सेल के ऊपर भी डिस्काउंट मिलता था। तो ये उसमें से एक पर्पल स्कर्ट है जिसका टॉप मैं दिखा चुकी हूँ, जो कि डीप नेक था और मैंने थोड़ा सा स्लीव काट के उसको टेलर से अपने नेक को थोड़ा सा कवर करा है ताकि मैं उसे यहाँ पहन सकूँ इंडिया में। तो ये है लॉन्ग स्कर्ट, उसकी थोड़ी सी ऐसा मटेरियल है, नीचे से आप देखेंगे इसका किस तरह से ये है। तो आपको ये लेयर जो ऊपर का लेयर है, जो शिफॉनिश लेयर है, वो छोटी है और जो ऐसा सिल्की सैटनी लेयर है वो लंबा है। इस तरह का ये डिज़ाइन है, स्ट्रेट लॉन्ग स्कर्ट है, उसके ऊपर टॉप है पर्पल सेम मटेरियल का, उसमें सिर्फ सिल्वर कलर के डॉट्स हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्कर्ट। सेकेंड उसी में ही ये उसी का ही मैंने एक आपको दिखाया था जिसमें कोल्ड शोल्डर का एक टॉप था ब्लैक कलर का, जिसमें कि सिल्वर कलर का उसमें भी था और उसका भी नेक मैंने थोड़ा सा कवर किया हुआ है क्योंकि वो भी डीप नेक था। उसका ये स्कर्ट है, इसमें वो डिज़ाइन नहीं, इसमें जस्ट सिंपल स्कर्ट है, लॉन्ग स्कर्ट सेम काइंड ऑफ एंकल लेंथ मुझे आता है। वहाँ पर लोग थोड़े लंबे होते हैं, मेरी हाइट थोड़ी छोटी है तो उनको तो थोड़ा शॉर्ट आता होगा मे बी काफ लेंथ का, बट मुझे ये अबाउट फुल लेंथ आता है। ये वो स्कर्ट है जिसके बारे में बात कर रही थी, जिसका घेरा बहुत अच्छा है और इसका टॉप मैंने ग्रे जो सबसे पहले दिखाया था टॉप्स के उसमें, ये इसका घेरा है, मतलब इसका घेरा काफ़ी अच्छा है। ये मटेरियल पता नहीं साटन जैसा लगता है लेकिन साटन थोड़ा सा अलग है और इसमें सारे रिंकल्स हैं। आप इसे अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो इसे ऐसे फोल्ड करके भी ले जाएंगे, इसको प्रेस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ट्रैवलिंग में ऐसे कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। एक आधा आपने पार्टी वेयर रख लिया, इसको मैंने आप ट्यूब टॉप की तरह पहन सकते हैं और यहाँ पर इसे बेल्ट कर सकते हैं, ऊपर से जैकेट पहन सकते हैं। और स्कर्ट है, इसमें टॉप टी शर्ट कुछ भी पहन के आप ऊपर से स्कर्ट, यहाँ पर एक जिप है तो आपको पहनने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी।
सिर्फ साइज फिट होना चाहिए इस तरह से। ये स्कर्ट है, ब्यूटीफुल स्कर्ट। ये मैंने पता है जब डांडिया था तभी मैं पहन के गई थी, तो ग्रे डे था उसमें मैंने ये स्कर्ट पहनी थी, तो ये जब घूमती तो काफ़ी अच्छी है इसमें क्योंकि घेरा बहुत है इसमें। सो ये वाली स्कर्ट है जो कि मुझे काफ़ी प्यारी है और मैंने बहुत बार मतलब 7-8 बार तो पहनी ही होगी। अब इसको अगर बहुत कह सकते हैं तो ठीक है, 1-2 बार से तो ज़्यादा ही है मे बी। प्लीज़ पीपल डोंट जज, आई लव क्लोथ्स और मैं उन्हें प्यार से संभाल के रखती हूँ ताकि वो चलते रहें। वैसे पीसेस बार बार इस तरह के पीस नहीं मिलते हैं और ये मेरी बेटी भी यूज़ करेगी सालों साल, सो इसीलिए मैं संभाल के रखती हूँ। होपफुली वो भी इन एक्सपेंसिव पीसों को संभाल के रखेगी और ख़राब नहीं करेगी। ये पिंक वाला है, जो टॉप मैंने दिखाया था पिंक ऐसा फ्लोटी था उसमें लेस थी, तो उसका ही स्कर्ट है, सेम वही न्यूजीलैंड का ही है जहाँ पर मैं काम करती थी बुटीक में, वही फुल लेंथ। तो वहाँ से ये तीन और बाकी मैंने ट्राउज़र के और वो अलग अलग लिए हैं। ये स्कर्ट मैंने ऑल्ट्रेशन कराई है, ये स्कर्ट मैंने H&M से ली है। ये स्कर्ट काफ़ी लंबी थी और इसका मैंने क्या था, जो ये जो घेरा है वो इतना लंबा था और मैं हूँ शॉर्ट तो वो नीचे लग रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इसको क्या करूँ, मैं इसको यहाँ से कट करवाऊँ या यहाँ से कट कराऊँ। तो मैंने बोला ऐसा करो कि इसको यहाँ ये जो इसका फ्रिल है वो छोटा कर दो क्योंकि वो काफ़ी लंबा था। सो ये अभी तक मैंने नहीं पहना है, इसमें ऊपर इलास्टिक है और इसमें थोड़ा ना ग्रे कलर के धागे से काम है जो कि मुझे नहीं लगता स्क्रीन में दिखेगा, और इसमें सिल्वर गोल्ड दोनों मिक्स है, तो इस तरह से इसका अभी तक मैंने ये पहना नहीं है, कभी ना कभी पहनूंगी। फिलहाल ये थोड़ा पार्टी वेयर लुक का स्कर्ट फुल लेंथ। ये स्कर्ट एक ड्रेस थी जो कि मैंने न्यूजीलैंड से ली थी और उसका जो शर्ट का एरिया था वो थोड़ा इतना अच्छा फिटिंग नहीं था, तो मैंने उसे कट करा के ये स्कर्ट करा है। तो ये काफ़ी यहाँ से इसमें ना ओपन थी, मैंने ये स्टिच कर दी है अभी फ़िलहाल, तो इस तरह से तो इसका जो इनर है वो इतना ही है जो स्कर्ट के अंदर जो लाइनिंग होती है, बाकी यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है। सो अगर रेड पहनना है तो ये काफ़ी अच्छा है, होपफुली पीछे से इस तरह से दिखेगा, फुल लेंथ है, आप इधर पहन सकते हैं इसको टू ड्रेस की तरह और इधर भी। इट्स लाइक एक्चुअली वो नीचे थोड़ी लगती है लेकिन मैंने उसकी लेंथ कम नहीं करा क्योंकि उसका लुक ही वो लेंथ है उसका। ये लास्ट स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट, ये भी एक ड्रेस थी। सो इसकी प्लीट्स, ये काफ़ी वॉल्यूम इसमें बहुत ज़्यादा है, सो इस तरह से मैंने इसको चेंज करा के इसमें इलास्टिक का करा दिया और ये अब इसमें वाइट बिंदियाँ हैं। सो ये पूरी ड्रेस थी कॉटन नेक की और मुझ पर इतनी खास नहीं लग रही थी, इसका जो लाइनिंग था वो भी अच्छा नहीं था, इल फिटिंग का था, तो मैंने ये पूरा इस तरह से चेंज करा दिया। इसे लॉन्ग स्कर्ट इसे मैंने शर्ट के साथ पहना हुआ है, काफ़ी फ्लोटी वॉल्यूम, फुल ऑफ वॉल्यूम, अच्छी स्कर्ट है, वेरी लाइट वेट। सो ये थी लॉन्ग स्कर्ट का लास्ट स्कर्ट, होपफुली आप लोगों को कुछ आइडियाज़ मिले होंगे और ये वीडियो पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सपोर्ट मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, टेक केयर, बाय।